जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। हाय गाइज, मेरा नाम है अक्की। चलिए कुछ नया सुनते हैं। ये कहानी है एक सेठ जी की। एक सेठ जी जो बहुत धनी व्यक्ति थे, वो नाम से ही सेठ नहीं थे, वो सच में सेठ थे। उन्होंने अपनी बिटिया को बहुत नाजों से पाला था। उनकी एक बेटी थी जिनको अब वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो चाहते थे कि वो बहुत खुश रहे, और खुश रखते भी थे। और उसकी शादी एक बड़ी बिजनेस फैमिली में की ताकि वो खुशी रह सके, वो सुखी रह सके। लेकिन कहते हैं ना कि भाग में जो लिखा होता है, हम कितने भी कोशिशें कर ले वो हमें नहीं मिलता। उनकी जो बिटिया थी उसकी किस्मत में सुख नहीं था, समृद्धि नहीं थी, खुशी नहीं थी, क्योंकि बिजनेस के चलते बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया, जिसके जरिए उसको बहुत ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ी। बहुत बुरे दिन आए, बहुत हालात उसके ख़राब हो गए। लेकिन जो सेठ जी थे, सेठ जी की जो सेठानी जी थी, सेठानी जी को बहुत दुख हुआ। जब दुख हुआ तो उन्होंने अपने जो सेठ जी थे, तो सेठ जी से कहा कि सेठ जी, क्यों नहीं आप दामाद जी के लिए कुछ बिजनेस करा देते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ करिए ताकि वो आगे बढ़ सके, कुछ ग्रोथ कर सके। लेकिन जो सेठ जी थे, सेठ जी ने जब सेठानी जी की बात सुनी तो कहा कि किस्मत से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो सेठानी जी थी तो आखिर एक माँ, तो उनको बहुत दुख हुआ। वो बहुत दुखी थी, बहुत चिंतित थी। और एक दिन जब सेठ जी घर से बाहर गए और उनका दामाद उसी दिन घर आया, तो जो सेठानी जी थी अपने दामाद का आदर सत्कार किया, बहुत प्यार किया, अच्छे से बिठाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद जब दामाद से चलने लगे तो सेठानी जी ने उन्हें रोका और फिर से बिठा लिया और कहने लगी कि क्यों ना मोतीचूर के लड्डू बना दूँ, घर लिए जाना, तुम भी खा लेना और मेरी बेटी भी खा लेगी। तो दोनों के लिए सेठानी जी ने कढ़ाई चढ़ाई और डाला देसी घी और बनाने लग गई लड्डू। लड्डू बनाने लगी, देसी घी के देसी लड्डू बनाए, बहुत प्यारे लड्डू बनाए और इकट्ठा किए, और उन लड्डुओं के बीच में सोने की अशर्फियाँ रख दी। जो अशर्फियाँ रख दी और अच्छे एक थैले में पैक किया और दामाद जी को दे दिया। दामाद जी ने लड्डू लिया और लड्डू ले करके चले गए। लड्डू थे ज़्यादा, जब उनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा वेट हुआ तो दामाद जी ने सोचा कि क्यों ना इन लड्डू को घर की जगह हम किसी दुकान में भेजते, पैसे की तंगी तो थी ही। तो उन्होंने क्या किया कि उन लड्डू को एक दुकान पर एक मिठाई वाले के यहाँ जा करके बेच दिया और कुछ पैसे आ गए। पैसे रखा जेब में और घर की तरफ चलते बने। थोड़ी देर बाद जो सेठ जी थे, सेठ जी भी उधर ही से चले आ रहे थे, धीरे आ रहे थे। अचानक से उनका मन हुआ कि क्यों ना आज घर जा रहा हूँ तो कुछ मीठा लेके चला जाऊँ, थोड़ी सी मिठाई ले लेता हूँ। तो सेठ जी ने क्या किया, उस मिठाई वाले के यहाँ गए और मिठाई ले लिए। मिठाई लिया तो जो मिठाई वाला था, किस्मत की बात ये थी कि उस मिठाई वाले ने सेठ जी को वही लड्डू दे दिए, वही मीठा दे दिया। सेठ जी ने वो लड्डू लिया और मुस्कुराते हुए घर की तरफ चले गए। घर पहुँचे, सेठानी जी को लड्डू दिया, बोले मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ, आज सोचे कि मिठाई लिए चले जाऊँ। तो जो सेठानी जी थे, जब उस थैलों को लिया और थैलों को खोला तो बोले यार ये लड्डू तो मेरे ही है। मन में सोचने लगी कि ये तो वही लड्डू हैं, और फिर से वापस आ गए। उन्होंने अपने सर पे हाथ मारा और सोचने लगी। उसके बाद में जो सेठ जी थे, सेठ जी को बुलाया और फिर से बताया कि ये लड्डू मैंने भेजे थे। सेठ जी सारी बात समझ गए थे और सेठानी जी से बोले कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। सुगैज, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम किसी न किसी चीज़ के पीछे हम इधर भगते हैं, उधर भगते हैं, चारों तरफ भागते रहते हैं। कितनी चीज़ों के लिए हम ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन किस्मत से ज़्यादा भाग्य से पहले या किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। क्योंकि कहते हैं कि जब झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। तो हमें एक सब्र रखनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, और जितना हो उसी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अपेक्षा करोगे तो आपको कुछ हाथ नहीं आएगा, और ना ही आज तक किसी को आया है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।